सब्सक्राइब कीजिए टीच मी डेली यूट्यूब चैनल और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह मेहरा। टीच मी डेली के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जीमेल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीमेल अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाकर अपने जीमेल अकाउंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने जीमेल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने टू स्टेप वेरिफिकेशन का भी जिक्र किया था और मैंने बोला था कि उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड है कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के लास्ट में जाकर या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आते हैं और टू स्टेप वेरिफिकेशन और उसे कैसे लगाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है कि जो आपका जीमेल अकाउंट होता है वो और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। जब भी आप अपनी जीमेल आईडी में लॉगिन करते हैं तो उसमें आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालते हैं। लेकिन टू स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है कि आपको अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड तो डालना ही होता है, साथ ही आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड भी आता है, उसे भी आपको इसमें एंटर करना होता है। यानी कि तीनों चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी। तो अगर आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी को पता भी लग गया तो तब भी वो आपके अकाउंट में एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उसे वन टाइम पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा जो कि आपके मोबाइल पर ही आएगा। तो इस तरीके से आपका जीमेल अकाउंट और ज़्यादा एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाता है और ये आपके जीमेल अकाउंट को डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको टू स्टेप वेरिफिकेशन कहा गया है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं कि जीमेल अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको जीमेल ओपन करना है और यहां पर से अपनी आईडी में लॉगिन हो जाना है। इसके बाद जैसे ही आप इसमें लॉगिन हो जाते हैं, अब यहां पर से आपको अपनी प्रोफाइल दिख जाएगी। यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर से आप माय अकाउंट में चले जाएंगे। अब यहां पर से देखिए साइन इन एंड सिक्योरिटी वाला ऑप्शन है, इसमें आप चले जाएंगे। थोड़ा नीचे जाने पर अब यहां पर देखिए पासवर्ड एंड साइन इन मेथड वाले सेक्शन में टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है, इसमें आपको चले जाना है। ये देखिए यहां पर से ऑफ है। अब यहां पर से आपको गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देना है। तो यहां पर आप अपना जीमेल पासवर्ड एंटर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब ये यहां पर से आपके नंबर को ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। अगर आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर नहीं दिखता है तो आप उसे यहाँ पर से अपना कंट्री सेलेक्ट करके ऐड कर दीजिए। ध्यान रहे वही नंबर इसमें ऐड करें जो कि चालू हो। अभी यहाँ पर से बोल रहा है कि आप कोड किस तरीके से चाहते हैं, तो आप अगर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू चाहते हैं तो आप इसे चूज करेंगे जो कि पहले से सेलेक्टेड है, या फिर अगर आप फोन कॉल के थ्रू चाहते हैं तो आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे टेक्स्ट मैसेज रहने देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, उसे आप यहां पर एंटर करेंगे। तो मेरे मोबाइल पे गूगल वेरिफिकेशन कोड आ चुका है तो मैं उसे यहां पर एंटर करता हूं। इसके बाद यहां पर से इसे नेक्स्ट कर देंगे। अब ये देखिए लास्ट स्टेप है। अब यहां पर से आप टर्न ऑन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे। तो यहां पर से देखिए जो मेरा टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो चालू हो गया है और यहां पर डेट भी लिखी आ रही है। आप यहां पर से इसे बंद भी कर सकते हैं। अब इसका फायदा ऐसे होगा कि अगर आप अपने अकाउंट में यहां पर से लॉगिन करते हैं
तो यहाँ पर से देखिए, मेरे मोबाइल पे एक वन टाइम पासवर्ड इन्होंने भेज दिया है। जब मैं इस वन टाइम पासवर्ड को एंटर करूँगा तभी मैं अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाऊँगा या फिर उसे ओपन कर पाऊँगा। बिना वन टाइम पासवर्ड एंटर करे इसे ओपन करना नामुमकिन है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एंटर कोड। तो जैसे ही मैं यहाँ पर से कोड डालता हूँ मेरे मोबाइल पे जो आया है, इसके बाद इसे नेक्स्ट करता हूँ, तो यहाँ पर से देखिए मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो गया हूँ। तो इस तरीके से अगर आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड किसी को पता भी लग जाती है तो वो तब तक आपके अकाउंट में एक्सेस नहीं कर सकता जब तक वो वन टाइम पासवर्ड इसमें एंटर ना कर दे। तो इस तरीके से आप अपने जीमेल अकाउंट को और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि हर किसी को अपने जीमेल अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना कि जीमेल टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या है और उसे कैसे लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसी तरीके के और वीडियोज हिंदी में और फ्री में देखने के लिए आप टीच मी डेली का यूट्यूब चैनल अभी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपको इस वीडियो में कहीं पर मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।